आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के मुताबिक। हमारे साथ शामिल हैं दो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हाफिज मोहम्मद इमरान और शेख मोहम्मद एजाज साहब। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल स्पोर्ट्स पोर्टल कैसर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारे गेस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान, उनका यूट्यूब चैनल गेम बीट भी जरूर सब्सक्राइब करें। शेख एजाज साहब, कल आपने एक कमेंट दिया कि पहले बैटिंग करना खुदकशी के मुतरादिफ हो सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई, 204 पर पूरी टीम आउट हो गई। क्रेडिट देंगे आप वेस्ट इंडीज के बॉलरों को या खराब डिसीजन बेन स्टोक्स का? शुक्रिया के, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट है, इसमें किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि जो रवायती तौर पर हम यही देखते हैं जी कि बारिश हुई है, दो तीन घंटे पहले विकेट में मॉइस्चर है, आउटफील्ड में मॉइस्चर है, तो वो हमेशा रवायती तौर पर होता है कि दूसरी टीम को टॉस जीतकर दूसरी टीम खेलने की दावत दी जाती है। बेन स्टोक ने, जैसे कि कल यस्टरडे हाउस साहब ने कहा था कि उन्होंने रिस्क लिया कि जी पहले मैं एक हम टारगेट बनाए, उसको जो है ना उस टारगेट में अंडर लेकर आए, अंडर प्रेशर लेकर आए वेस्ट इंडीज को। ये भी होता है कि कई कई कैप्टन होते हैं वो बोल्ड डिसीजन करते हैं। आज आपका मैच देखे ना, तो उनका डिसीजन खराब नहीं था, मैं यानी कि अपनी ही बात को निगेट कर रहा हूँ, लेकिन आज विकेट काफी हद तक जो दूसरे दिन की विकेट थी बड़ी सीधी ही नजर आ रही थी। यानी कि जो मैंने देखा कि बेन स्टोक ने आते ही पहली कवर ड्राइव खेली है और चौका हुआ है, तो वो चीज बता रही थी कि बल्कि उससे पहले जो थे वो रॉरी, आई थिंक वो भी उनका स्टाइल बैटिंग स्टाइल ऑकवर्ड है, लेकिन वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, तो विकेट इतनी बैड नहीं थी। उसमें मेरे ख्याल में हुआ ये है, जो इंग्लैंड बैट्समैन है वो खुद को इस विकेट पर एडजस्ट नहीं कर पाए, जैसे उनको खौफ था कि विकेट गीली है, मॉइस्चर है, ऐसा था नहीं। सेकंड बात ये करना चाहूंगा कि देखें आप, कल 41 पर भी उनका एक ही आउट था, ठीक है जी, 39 हाँ, लेकिन आज देखें इनका भी 41 पर पहला आउट हुआ है, ठीक है, तो काया किस टाइम पलट सकती है, वही सिचुएशन हो सकता है वेस्ट इंडीज के साथ भी हो जाए जो आज के आज इंग्लैंड के साथ हुई है, तो नेवर नो। जी इसीलिए कहते हैं क्रिकेट बाई चांस। आते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब की तरफ। हाफिज साहब, आप क्या कहती हैं कि जिस तरह शेख साहब ने कहा कि विकेट कभी भी टर्न ले सकती है, चेंज हो सकती है, या आप समझते हैं कि जो वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जेसन होल्डर और गैब्रियल दोनों ने मिलकर पूरी इनिंग्स को समेट दिया? सबसे पहली बात यह है कि ना तजर्बाकारी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन में आपको नजर आती है कि जो उनकी एक मजबूत बैटिंग है वो नहीं थी, और उसका फायदा भी उठाया है वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने। और सबसे पहले तो क्रेडिट जरूर देना चाहिए, अगर हम उनकी बॉलिंग का तज्जिया करते हैं तो आप देखें कि जो जो बॉलिंग कार्ड है जिसमें कैमरोज की आप बॉलिंग देखें तो कितने किफ़ायती वो रहे हैं, और उसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं जैसन होल्डर को और गैब्रियल को, सारी की सारी अगर आप बॉलिंग देते हैं ना, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आती है कि वो हर टाइम अटैक करते रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग करते रहे हैं, और जब ऊपर की दो तीन विकेटें गिरी हैं उसके बाद जो एक गेंद और बैट की जंग रही है ना, वो बहुत दिलचस्प थी, और हर लम्हा आपको ये लग रहा था कि बैट्समैन अपनी विकेट बचाने के लिए बहुत तगड़ो कर रहा है, जदोजहद कर रहा है, और दूसरी तरफ से बॉलर्स की ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द इनिंग्स को लपेट लें। मैच की जो हुसन है वो यही है कि आपको हर लम्हा हर सेशन में आपको एक नए अज़्म के साथ और एक नई हिकमत अमली के साथ आना पड़ता है, तो ये जो सबसे अच्छी चीज़ थी। अब देखिए कि जो एक पार्टनरशिप लगी है बेन स्टोक्स की, वो बहुत दिलचस्प थी, खेलते हुए दिखाई दिए हैं, वो स्विंग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आगे निकल कर थोड़ा सा उसको अब वो शफल भी कर रहे थे, फिर उन्होंने कवर्स में भी बड़े अच्छे शॉट्स खेले, तो वो बड़ी अच्छी क्रिकेट मजमू तौर पर दोनों की तरफ से देखने में आई। हम ये अगर पिच से हट के जो कंडीशन है, जो मौसम की सूरत हाल है उससे हटके भी देखें, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन इस लो स्कोरिंग मैच में भी आपको क्वालिटी बैटिंग जो भी हुई और क्वालिटी बैटिंग बॉलिंग थी वो देखने को मिली है। अब नीचे से भी देखें आपको रन्स मिले इंग्लैंड की तरफ से, तो जो जद्दोजहद करने वाला था गिव अप नहीं किया है इंग्लैंड ने, ये नहीं किया कि मुश्किल कंडीशन हैं तो बहुत जल्दी उन्होंने आसानी से अपनी विकेट दे दी है, वो जितनी उसकी मजाहमत कर सकते थे वो उन्होंने की है। और बहरहाल जो शेख साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर वो जो आगाज था इंग्लैंड का वो वैसे ही आगाज वेस्ट इंडीज का भी है,
तो ये कोई पता नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरह से वो काया पलट जाए, और बिल्कुल इससे भी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में वेस्ट इंडीज की टीम हो सकती है, और मेरा ख्याल है उसके इम्कान इंग्लैंड से ज्यादा है। हमें क्वालिटी बॉलिंग तो देखने में, लेकिन बात अगर अंपायरिंग की करें तो वो बहुत मायूसकुन रही। आपको पता है कि इस सीरीज में न्यूट्रल अंपायर्स मौजूद नहीं है, बल्कि होम अंपायर से गुजारा किया जा रहा है, और उनके जो कुछ फैसले हैं, अगर जेसन होल्डर कॉन्फिडेंट ना होते, अगर वो चैलेंज ना करते, रिव्यू ना लेते, तो वो विकेट उन्हें ना मिलते। आप क्या समझते हैं कि इस अंपायरिंग से सिलसिला आगे चलना चाहिए, या न्यूट्रल अंपायर कितना मुश्किल काम है किसी और मुल्क से अंपायर्स को बुलाना? मेरा नहीं ख्याल था कि इतना मुश्किल काम था, कहीं ना कहीं तो अभी जैसे पाकिस्तान टीम गई है, इंग्लैंड गई है, तो वहां से अलीमडार भी जा सकते थे या किसी और कंट्री से। आई डोंट थिंक सो कि दैट्स आर टू डिफिकल्ट कि जो वहां पर न्यूट्रल अंपायर ना पहुंच सके। लेकिन दूसरी बात है कि जो इंग्लिश अंपायर है सोया डिगी बर्ड के, कोई इनकी अच्छी रिप्यूट कभी भी नहीं रही। डिगी बर्ड का भी इनका बड़ा नाम रहा है जो है वो रिकर अहमद करीम को, लेकिन आई वॉन्ट टू से जस्ट उनके पर भी 87 के वर्ल्ड कप में काफी गलत डिसीजन के इल्जाम थे। तो इस लिहाज से न्यूट्रल अंपायरिंग बहुत जरूरी है, और इसमें कोई शक नहीं कि न्यूट्रल जो अंपायर होता है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, लेकिन उसका हल ये टेक्नोलॉजी थी। देखिए पहले न्यूट्रल अंपायर आए, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आई, दोनों का जो कम्बिनेशन है वो क्रिकेट में निखार ही लेकर आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी को भरपूर यूज करना चाहिए। जी आपसे इमरान साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जिस तरह चीफ सिलेक्टर किसी भी मुल्क का हो तो बड़ी थैंकलेस जॉब होती है उसको कहा जाता है, तो अंपायरिंग भी एक इंतहाई मुश्किल और सख्त काम है। इसमें क्रिकेट में आप देखें कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया है, मैंने भी देखे कई एक डिसीजन आप देखें कि जो उसके साथ साथ जब इंग्लैंड की टीम ने बॉलिंग शुरू की है तो कार्लोस ब्रैथवेट को आउट दिया अंपायर ने, और वो डिसीजन वो डीआरएस पे गए जिमी एंडरसन की गेंद पर, और फिर वो रिवर्स हुआ डिसीजन, वो भी आउट बाद में, खैर वो आउट हो गए, लेकिन जो पहला डिसीजन था वो उसके हक में गया, नहीं गया इंग्लैंड के। तो ये अंपायरिंग का जो मायार है, जो बैट्समैन है उनका नाम आई थिंक कैम्बल, नंबर थर्ड अंपायर ने उन्हें LBW दिया, कैम्बल ने रिव्यू लिया और वो टर्न ओवर हुआ थर्ड अंपायर ने, लेकिन तीसरी मरतबा जब LBW की अपील हुई अंपायर ने आउट दिया तो थर्ड अंपायर ने भी उसे कंफर्म किया। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में भी देखते हैं ना तो टेस्ट मैचेस में बहुत मुश्किल है, आपको चंद अंपायर जो हैं वही आपकी उंगलियों पर गिने जाते हैं जो बहुत ज्यादा मुस्तनद माने जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, और न्यूट्रल अंपायर तो बहरहाल एक जरूरत है इन दिनों, लेकिन क्वालिटी अंपायर बहरहाल जरूर होने चाहिए थे। जब आप इतनी बड़ी सतह पर इतनी बड़ी क्रिकेट करा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी था, जैसा कि शेख साहब ने कहा है कि आप न्यूट्रल अंपायर्स रखते हैं तो वो होने चाहिए थे, ये बिल्कुल ठीक बात है। अंपायर आपका लोकल होता है, आप बाहर से बुलाते हैं तो वो होना चाहिए। बात करते हैं खराब रोशनी से मुतल्लिक, टेस्ट मैच के एक दिन में 90 ओवर कम से कम फेंके जाते हैं, लेकिन दोनों दिनों में 90 ओवर मुकम्मल नहीं हो सके। इंग्लैंड के साबिक कप्तान है नासिर हुसैन, उन्होंने कहा था कि जो रेगुलेशंस हैं बैड लाइट से मुतल्लिक उनको रिवाइज करना चाहिए। नासिर हुसैन की जो प्रपोजल है तजवीज है बहुत ठीक है उनकी, कि ये आप जो डिसीजन है बैड लाइट का आप अंपायर को दे देना, वो डिसाइड करें फाइनली। ये कहते हैं जमहूरियत का हुसन, ये जो बादल है ये बारिश है, ये क्रिकेट का हुसन भी है, कई मैच बारिश की वजह से डिसाइसिव हो जाते हैं, ड्रॉ की तरफ नहीं जाते, और बैड लाइट भी बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। सम टाइम होता है कि आपकी टीम बहुत जो है ना क्रूशियल सिचुएशन में है, आप बैटिंग नहीं करना चाहते, जल्दी करते हैं अल्लाह जल्दी बादल लाएं और डार्क लाइट हो जाए, हमारी जान बच जाए ना, तो दूसरे दिन आगे दोबारा बैटिंग का। लेकिन ये एक बात ठीक है नासिर हुसैन की, कि इससे आप काफी जो है ना क्रिकेट को बचा सकते हैं आप ना। एक वक्त था कि जब वेस्ट इंडीज से खेलते हुए अक्सर टीमें बारिश की दुआ करती थी कि अल्लाह करे बारिश हो और मैच जो है ना वो चंद ही नहीं चले, जिससे उसे ड्रॉ कर सके या इज्जत से हार सके ना। लेकिन अब सूरत हाल काफी बदल चुकी है, आप क्या कहते हैं कि जो खराब रोशनी है या बारिश है इसका किसी तरीके से कवर किया जा सकता है या एज इट इज ये चलता रहेगा? जब आपके पास फ्लड लाइट्स हैं तो वो अगर मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके टेस्ट मैच को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए या नतीजा खेज बनाने के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। के साथ जो बारिश वाला केस है फिर तो वो आपको इंडोर स्टेडियम में जाना पड़ेगा, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच जब आप देख रहे होते हैं, आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो जो आसमान का मंजर है और जो शायकीन बैठे होते हैं वो जो एक फिजाई मंजर है उसका, वो उससे बहुत ज्यादा लुत्फंदोज होते हैं और महसूस भी होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तो बारिश को तो आप नहीं रोक सकते हैं, और इंडोर का तो कभी भी मैं उसकी उस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन ये जो फ्लड लाइट्स वाला मामला है
ये बहरहाल जरूर इसका इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। कम से कम जब आपके पास एक चीज ये हुई है कि बारिश की वजह से आपके ओवर्स कम हुए हैं और आप पूरे ओवर्स नहीं कर पाए हैं, और दूसरे दिन भी आपका खेल रुकता रहा है, जारी होता रहा है, रुकता रहा है, जारी होता रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ इस किस्म की तजवीज या इसके ऊपर जरूर होना चाहिए कि अगर आपके जो एक दिन में ओवर रह गए हैं, दूसरे दिन में अगर आप उसको फ्लड लाइट्स में कर लेते हैं तो वो उसकी इजाजत होनी चाहिए। शेख एजाज साहब, आपकी तरफ आते हैं गुफ्तगू को वाइंड अप करते हुए। किसी सियाने ने कहा था इस नाम को याद रखना, इंग्लिश बैट्समैनों के लिए वो नाम किसका था? जेसन होल्डर का, जो टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन ऑलराउंडर है और बेन स्टोक्स नंबर टू ऑलराउंडर है। इस वक्त दोनों टीमों के कप्तान नंबर वन और नंबर टू ऑलराउंडर्स हैं और उनके दरमियान में कंपटीशन जारी है। आज के दिन जो कंपटीशन था वो तो जेसन होल्डर ने जीत लिया, उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट भी किया और पांच और बल्लेबाजों को आउट किया। इस तरह उन्होंने सिर्फ 42 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब जबकि वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही है और इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा है, तो इंग्लैंड की बॉलिंग को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश बॉलर को कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो भी वेस्ट इंडीज को कम से कम स्कोर पर आउट कर सके? अगर आप आज के फिगर्स देखें बैट्समैनों के वेस्ट इंडीज के, तो मेरे ख्याल में जो जो प्लेयर हैं उन्होंने 20 स्कोर किया अभी तक और 64 बॉल्स खेले हैं। जो नए बैट्समैन आए उन्होंने 2 स्कोर किया और 14 बॉल खेले हैं। तो आप बात करें वेस्ट इंडियन बैट्समैनों की, वेस्ट इंडियन बैट्समैनों की, वो काफी अंडर प्रेशर है, यानी ब्रेथवेट और होप बहुत बहुत अंडर प्रेशर है। तो अभी तक तो मैं कहूंगा कि जी के वो इंग्लैंड के बॉलर नाकाम नहीं है, कामयाब जा रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया कि आज बॉल कल की निस्बत बहुत उठकर आ रहा है। कल बॉल बहुत लो उस पे था, हाइट पे था, लेकिन आज बॉल बाउंसर की तरह आ रहा है और मेरा ख्याल है कल जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मौसम और अच्छा होगा तो यकीनन आपको बाउंसर्स देखने को मिलेंगे। मैं यस्टरडे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जी के दूसरे दिन विकेट इतना अच्छा खेलेगी। आज विकेट बहुत अच्छा खेली थी, सीधा बॉल आ रहा था, बॉल ऊपर भी रहा था। इसी की बुनियाद पर आप देखें कि बॉल अगर आप विकेट ठीक हो गई है तो बावजूद उसके जो इंग्लैंड के बॉलर है उन्होंने अंडर प्रेशर रखा हुआ है वेस्ट इंडीज के बॉलर को, उनको खेलने नहीं दे रहे। अगर वेस्ट इंडीज बैट्समैन खोल के ना खेले तो इनका हशर इंग्लैंड से भी बुरा हो सकता है। जैसे इमरान भाई ने बात की शुरू में, तो इनको थोड़ा खुल के कॉन्फिडेंस से बात खेलना पड़ेगा। तो बेन स्टोक अभी तक कामयाब है, देखो उन्होंने 43 भी किया, अपनी टीम में सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने किया है। बिल्कुल उनको हम हल्का नहीं ले सकते हैं। उनको जोफा आर्चर आपके सामने बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको वुड नजर आते हैं, आपको उसमें जिमी एंडरसन देखें, सबसे जिमी एंडरसन है, तो ये एक भरपूर किस्म का बॉलिंग बॉलिंग उनका पेस बैटरी है जो किसी भी दुनिया की बैटिंग लाइन को उड़ा सकती है। बेन स्टोक्स और जैसन होल्डर की आप देखें, जैसन होल्डर की बॉलिंग देखें तो आपको बॉलिंग देखकर मजा आएगा। जिस अच्छी गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया है, आगे से जब बॉल आपका सीम और स्विंग हो रहा है, इससे ज्यादा अच्छी सीम बॉलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आपको हर वक्त गेंद हिलता हुआ नजर आ रहा है, गेंद बाहर निकल रहा है, बाउंस ले रहा है, इन स्विंग कर रहा है। तो यही इस असल क्रिकेट का हुसन यही है कि बैट्समैन की भी जो स्किल है वो टेस्ट होती है, और टेस्ट क्रिकेट इसी चीज का नाम है कि आपकी स्किल का टेस्ट है, आपकी मोटिवेशन का टेस्ट है, आपकी डेडिकेशन का टेस्ट है और आपकी पेशेंस का टेस्ट है। मेरे ख्याल में जो है ना, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को थोड़ा सा ना खुल के खेलना चाहिए। इत्माद के विकेट आपकी इतनी मुश्किल नहीं है, तो अगर वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहे तो वो उनके लिए अजाब बन जाएगी। तो उनको आई थिंक थोड़ा अग्रेसिव आना चाहिए, उनके लिए अच्छा चांस है ये मैच में अपनी ग्रिप मजबूत बनाने का। अग्रेसिव आने की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके सामने जोफा आर्चर, जिमी एंडरसन आपको हिलने ना दें, तो फिर शेख साहब वहां पे विकेट पे जाना ज्यादा मुश्किल। अग्रेसिव होना बाज का नुकसानदेह भी हो सकता है कि ये ना हो कि आप 150 पे फारिग होकर घर बैठे हो, मजा भी तभी आएगा। हाफिज मोहम्मद इमरान और शेख मोहम्मद एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आज हमने बात की वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जो क्रिकेट टेस्ट जारी है उसके दूसरे दिन के खेल से मुतल्लिक। हम इस सिलसिले को जारी रखते हुए कल फिर बात करेंगे टेस्ट के तीसरे दिन से मुतल्लिक, और हम उम्मीद करते हैं कि कल हमें कुछ नया, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। चैनल स्पोर्ट्स पॉडकास्टर और गेम बीट जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।